इसके पहले बेटा यहाँ के ये स्टेप तक हो चुका था। यहाँ पे 2p का स्क्वायर q का स्क्वायर अपने और यहाँ पे -3p का स्क्वायर q का स्क्वायर पास में लाया, यानी लाइक टर्म को पास में लाया है। यहाँ पे -3pq और यहाँ पे +7pq यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 4 और +5 लिखा है। यहाँ पे 3 में से 2 गए तो आपके पास बचा 1 और बड़े की साइन दिए, इसका मतलब -1 लिखते हैं, इसलिए -p का स्क्वायर q का स्क्वायर। फिर यहाँ 7 में से 3 गए तो आपके पास बचा 4 और बड़े की साइन +p इंटू क्यू। 4 + 5 = 9, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन थर्ड सॉल्व। फिर आपके पास फोर्थ वाला जो क्वेश्चन दिया है, l का स्क्वायर + m का स्क्वायर कॉमा m का स्क्वायर + n का स्क्वायर कॉमा n का स्क्वायर + l का स्क्वायर कॉमा 2lm +2mn +2nl। जहाँ पे भी आपके पास कॉमा है वहाँ पे आपको एडिशन की साइन देना है। देखिए इन दोनों के बीच में अपने पास एडिशन की साइन आ गई कॉमा के जगह पे, यहाँ पे भी कॉमा के जगह पे एडिशन की साइन आई, यहाँ पे भी आपके पास एडिशन की साइन दी। फिर आपके पास लाइक टर्म अपन ने पास में लिया, l का स्क्वायर, यहाँ पे m का स्क्वायर, n का स्क्वायर। ये जो तीनों टर्म है एज इट इज़ जैसे कि वैसी अपन ने लिखी है बेटा। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 2l का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा +2m का स्क्वायर +2n का स्क्वायर +2lm +2nm +2nl, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ सॉल्व। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर, ये हो गए सब क्वेश्चन बेटा। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर में सबट्रैक्ट दिया है, सबट्रैक्ट करके आपके पास यहाँ एक अलजेब्रिक इक्वेशन दी हुई है एक्सपेंशन, और फ्रॉम करके आपके पास और एक अलजेब्रिक एक्सपेंशन दी हुई है। अभी यहाँ पे आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिए हुए है बेटा, इसमें अगर आपके पास सब्ट्रैक्ट और फ्रॉम आता होगा तो फ्रॉम के बाद की जो भी आपके पास रहेगा नंबर्स वो आपको पहले लिखना है, फिर सब्ट्रैक्शन की साइन और सब्ट्रैक्ट के बाद में जो नंबर्स आपको दिए हुए है वो यहाँ पे लिखना है आपको। यानी आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो आपने सेकंड कौन थी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बाद में दिए हुई, वो यहाँ सब्ट्रैक्शन की साइन और ब्रैकेट करके, मैडम ये ब्रैकेट क्यों है, तो सामने सब्ट्रैक्शन की साइन है इसलिए अपन ने ब्रैकेट दिया बेटा। अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की साइन है इसलिए अपने पास ब्रैकेट ओपन करना है आपको, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगी चेंज। यहाँ पे अपन ने ये पूरे नंबर जैसे वैसे के वैसे ही लिखे, 12a - 9ab + 5b - 3, यहाँ पे +- हो गया 4a - +7ab +-3b +-12। अभी आपके पास इसमें से लाइक टर्म को पास में लाना है, 12a - 4a, फिर यहाँ पे आ जाएगा -9ab +7ab +5b -3b -3 - 12। यहाँ पे आ जाएगा 12 में से 4 गया तो क्या बचा आपके पास, 8a, 9 में से 7 गया तो बचा आपके पास 2ab, वो भी माइनस क्योंकि बड़े की साइन आई, 5 में से 3 गया तो बचा 2, बड़े की साइन दिए बेटा अपन ने 2b हो गया, और यहाँ पे आपके पास -12 * 3 तो -15, ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट का आंसर। अभी इसी में का ये फोर्थ का ही हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, अभी फोर्थ का आपके पास सेकेंड क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अभी सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट 3xy +5yz -7zx फ्रॉम 5xy -2yz -2zx +10xyz। अभी यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पहले ये टर्म पूरी लिख लेंगे, 5xy - 2yz -2zx +10xyz, फिर सब्ट्रैक्ट की साइन, 3xy +5yz -7zx, जो कि आपके पास टर्म बेटा। फिर अभी अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 5xy -2yz -2zx +10xyz +-3xy +-5yz -+7zx।
अब यहाँ पे अपने पास लाइक टर्म पास में लाएंगे अपन क्या करेंगे, फाइव एक्स वाई। यहाँ पे भी आपके पास एक्स वाई है, यहाँ पे देखो है माइनस थ्री एक्स वाई, फिर माइनस टू वाई जेड, यहाँ पे भी है आपके पास माइनस फाइव वाई जेड, फिर यहाँ पे माइनस टू जेड एक्स है, यहाँ पे भी प्लस सेवन जेड एक्स है, और यहाँ पे प्लस टेन एक्स वाई जेड। यहाँ पे सेवन में फाइव में से थ्री गए तो बच्चा आपके पास टू एक्स वाई, यहाँ पे माइनस टू माइनस सेवन माइनस माइनस प्लस होती है, तो टू प्लस फाइव सेवन मुझे माइनस सेवन वाई जेड, सेवन में से टू गया तो प्लस फाइव जेड एक्स, क्योंकि बड़े की साइन आती है यहाँ पे, और प्लस टेन एक्स वाई जेड। ये हो गया बेटा आपके पास सॉल्व। योग्य आंसर इसके आगे का जो भी है वो कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।